गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 के लिए चैप्टर 20, अगर नाक न होती के सेकेंड भाग को बताया जा रहा है। जैसा कि आप वीडियो के अगले भाग में यह समझ गए हैं कि यह एक व्यंग्यात्मक लेख है। इसमें समाज के ऊपर यह व्यंग किया गया है कि लोग अपनी नाक को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए कितने परेशान होते हैं और वही नाक को वो रगड़ते हैं। नाक कटने से बचने के लिए उन्हें नाक रगड़ना पड़ता है, यानी कहीं कहीं उन्हें बहुत खुशामद करना पड़ता है और कहीं खुशामद करवाना पड़ता है। नाक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर चित्र लेट कर देखें तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ, पांव, नाक, मुंह, आंख आदि सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त है। अगर नाक आ जाए तो चली जाए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। अगर आंख चली जाए तो काला चश्मा हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर नाक कट जाए तो वह वास्तव में सैर सपाटा चेहरा बिल्कुल बेकार सा दिखता है। इस तरह कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि कोई लोग नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर उन्हें दीन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। यह व्यंग किया गया है कि कुछ लोग तो अपने नाक को बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं और कुछ लोग ऐसे बेखबर होते हैं कि उनके नाक पर कुछ भी होते रहे, यानी उनकी इज्जत पर कुछ भी होते रहे, उन्हें कोई असर नहीं होता है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो दूसरे को नाकों नचाते हैं। किसी की नाक पर देव मारना भी कोई लोग अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं पर बनते हैं। खैर, जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है, यानी नाक रहना यानी इज्जत रखने में ही भलाई है। नाक ना होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता। नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेट आदि सब बेमान हो जाते हैं। यही हींग देसी घी की पहचान कैसे होती है, यानी बताया जा रहा है कि नाक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। नाक के वास्ते लोग अपना जीवन तक दांव पर लगा देते हैं इज्जत बचाने के लिए और दूसरों के जीवन को भी ले लेते हैं। जो उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोग उनको दांव पर लगाकर उनकी जान को धमकियां देकर मार जाने के लिए उतावले हो जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। चाहे इतिहास हो या फिर हिंदी साहित्य, सभी में ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिलेंगे। इन उदाहरणों से हमें जीवन के लेन देन की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। नाक मानव शरीर का वह प्रतिष्ठित हिस्सा है कि हम अगर इससे अलग करना भी चाहें तो रह नहीं सकते। यानी नाक हमारे शरीर का वह हिस्सा है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। यानी हमारे श्वसन का जो कार्य है वह भी नाक के द्वारा होता है। आंख हमेशा से लड़ती आई है, लड़ना उनका स्वभाव है। किसी की आंखें किसी से लड़े या मिलकर चार हो जाए कोई हर्ज नहीं, मगर वो आपस में लड़ बैठे यह कहाँ तक ठीक है। नाक ही तो है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकता है। यह व्यंग किया जा रहा है कि आंखें चार होना यानी एक दूसरे से प्रेम होना और आंखें लड़ना
एक दूसरे से टकराना, तो उसमें नाक जो है वह बीच में आड़े आता है। उसमें लोग अपने इज्जत का ख्याल करते हैं कि एक दूसरे से अगर हम लड़ते हैं तो इसका क्या असर होता है, इसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, तो इसलिए नाक की तुलना यहाँ जो की गई है एक बचाव से भी की गई है। अब वैसे लोगों की नज़रों में फर्क आता रहा, जो कहीं नज़र उठ नहीं रही, कहीं गिर नहीं रही, इसके साथ चश्मों की ज़रूरत भी बढ़ रही। चश्मा चाहे नज़र बढ़ाने का हो या नज़र चुराने का, चाहे धूप से बचाने का हो, चाहे किसी के रूप से छिपकर निहारने का, अगर नाक ना होती तो बताइए कि यह चश्मा कहाँ ठहरता। अब यहाँ यह व्यंग स्पष्ट कर रहा है कि आँख के द्वारा अगर हम कोई काम गलत रूप से देखते हैं या उसके सहारे हम करने की कोशिश करते हैं तो नाक वहाँ हम जिस रूप से उसे देखना चाहते हैं उसके लिए हमें अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारा सोच अच्छी होनी चाहिए, तो उसे हम अगर अच्छे दृष्टि से देखना चाहते हैं तो हम चश्मा लगाते हैं। तो चश्मा को आड़े रखने के लिए, रोक के रखने के लिए नाक की ज़रूरत होती है। उसी तरह से अगर हम कोई गलत निर्णय लेते हैं, कोई गलत कार्य को देखते हैं, तो हमारी नाक जो है वह हमें यह संदेश देती है कि तुम्हारी नाक यहाँ कट जाएगी, यानी तुम्हारी यहाँ बेइज्जती होगी। इसको बचाए रखने के लिए नाक से वहाँ तुलना किया गया है। नाक के भीतर और भी कुछ फायदे हैं। नाक का वर्णन ही इस लेख में ज़्यादातर किया गया है कि अब नाक तो ऊपरी से भाग से जो आपको दिखावा करता है, सुंदरता को बढ़ाता है, आपकी इज्जत को बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन इसके आंतरिक कार्य भी कुछ ऐसे हैं जैसे उच्छ्वास और निःश्वास का कार्य मुंह से किया जाता है। जब हम सांस लेते हैं हर प्राणों का आधार श्वास है और श्वास लेने का साधन नाक ही है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है, यानी उसकी बोली स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। आपके अनेक जीव जंतु नाक में प्रवेश कर उसकी हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि चाय या पानी पी रहे हैं और नाक तक पहुंच जाए तो वह आपको बेचैन कर सकता है। अब यहाँ बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर तक पहुँचाती है और ठंड लगने से बचाती है। आजकल के पर्यावरण में प्रदूषण का इस तरह से बढ़ना वह हमारे फेफड़े को नष्ट कर सकता है। इसके बचाव के लिए भी प्रकृति ने नाक में जो बाल दिए हैं वह उस गंदगी को छान लेता है और शुद्ध हवा हमारे फेफड़े तक पहुंचता है। बहुत लोग मतलब साधने के लिए बांस की नाक के बाल बन जाते हैं। बांस की नाक की बाल यानी नाक का बाल होना बहुत प्यारा होना मुहावरा है। हर बच्चे अपनी माँ की नाक का बाल होता है, तो नाक का बाल होने का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। जिस प्रकार सिंगट्टा दिखाना, आँख दिखाना, दांत दिखाना, पीठ दिखाना आदि मुहावरे प्रचलित हैं, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुकाबला नहीं है। यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना ही नकफूक क्यों ना हो उसे भी मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी न किसी डॉक्टर की शरण में भागना पड़ता है। तो इस तरह नाक की जितनी भी महिमा गाएं कम है। गोपाल बाबू शर्मा ने इस नाक का वर्णन करते हुए समाज के
अंदर छिपे हुए रहस्य को, छिपी हुई कमियों को प्रदर्शित करने का कोशिश किया। उन्होंने व्यंग के माध्यम से नाक की तुलना कर समाज के बुराइयों को प्रदर्शित करने की कोशिश किया है ताकि उसमें सुधार हो। धन्यवाद।